सलमान खान ने पूछा हमारी फिल्में साउथ में क्यों नहीं चलती, तो RRR फेम रामचरण ने दिया ये जवाब। रामचरण और जूनियर NTR स्टारर SS राजामौली की RRR ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने से लेकर 20 मिलियन की संख्या तक पहुंचने तक ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस के रूप में सामने आई है। खास तौर पर कोविड महामारी के बाद भी फिल्म ने नई ऊंचाई को छुआ है। इससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सिनेमा के फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। हाल ही में इसके बारे में मेगा पावर स्टार रामचरण से पूछा गया कि साउथ में बॉलीवुड फिल्मों की इतनी सराहना क्यों नहीं की जाती है, जबकि RRR और पुष्पा जैसी फिल्मों ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस पर एक्टर ने सिनेमा और उसकी बाउंड्री के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी सिनेमा का एक ऐसा निर्देशक चाहता हूं जो एक पैन इंडिया फिल्म बनाए जो दक्षिण को भी केटर करे। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए कहा मुझे राम, राजामौली और तारक का काम बहुत पसंद है, लेकिन साउथ में हमारी फिल्मों की सराहना क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना इतना स्पष्ट और ईमानदार है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सलमान जी की गलती नहीं है या किसी फिल्म की गलती नहीं है, ये राइटिंग है, ये निर्देशक है जिसे हमारा फिल्म इधर ही देखेंगे, हमारा फिल्म उधर ही देखेंगे। इन सीमाओं को ऊपर उठना है। हर राइटर को विजेंद्र प्रसाद या राजामौली जैसी फिल्में लिखनी चाहिए और कहना चाहिए इसमें विश्वास करो। स्टार ने कहा निश्चित रूप से मैं एक भारतीय फिल्म बनाना चाहता हूं जहां मैं बॉलीवुड टैलेंट के साथ काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि निर्देशक साउथ से टैलेंट का पता लगाएं और बड़ी फिल्में बनाएं ताकि हमारे पास बड़ा बजट हो और हम दिन के आखिर में बड़ी संख्या देखें।